टैक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करने जा रही है ताकि GST की रिकंसिलेशन से रिलेटेड रिपोर्टिंग हो सके। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट अमेंडमेंट रूल 2018 का ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, जिसका लिंक GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप इस ड्राफ्ट पर अपने कमेंट 30 अगस्त 2018 तक भेज सकते हैं, जिसके लिए के फॉर्मेट दिया गया है। यह है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने इशू किया है, जिसमें कि MCA ने कहा है कि यदि किसी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट CRA4 फॉर्मेट में फाइल कर दी है तो उसे वह रिपोर्ट दोबारा फाइल करने की आवश्यकता नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इस जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर MCA ने जो अमेंडमेंट की है GST की रिकंसिलेशन से रिलेटेड, वो आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं कि यहाँ पे नया सीरियल नंबर 6B इंसर्ट कर दिया गया है ताकि GST की रिपोर्टिंग हो सके फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट, GST का अमाउंट, CGST, SGST, IGST और सेस का अमाउंट आपको जो है वो रिपोर्ट करना होगा। इस फॉर्मेट को आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड जो है वो रिपोर्ट करनी होगी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज्ड और इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड थ्रू कैश लेजर। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।